हेलो एवरीवन, मैं नीतीश। आप एग्जाम टेक रेलवे एएलपी डिवीजन अलॉटमेंट तीन जोन का जो है डिवीजन अलॉटमेंट एक साथ किया गया है। 651 छात्रों का डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। रांची से 465, कलकत्ता से 148, मालदा से 38 छात्रों का जो है डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। रिमेनिंग का कब डिवीजन अलॉटमेंट होगा और पैनल में क्यों डिले हो रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, डेट 14/10/2019, सब्जेक्ट ऑपरेशन ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 1 ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2018। डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल ऑफ 651 नंबर्स ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट रिसीव्ड फ्रॉम आरआरबी फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 1 ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2018 एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर गिवन बिलो। खड़गपुर डिवीजन कम्युनिटी दिया गया है। पैनल सीरियल नंबर विथ पैनल नंबर एंड डेट, टोटल कितने जो है पैनलिस्ट किया गया है। यूआर से जो है आपको सीरियल नंबर 1 से 75 एक्सेप्ट, 24 और 73 जो सीरियल नंबर है वो छोड़ के पैनल नंबर जो है आपका आरआरबी कोलकाता ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट का, डेट जो है पैनल का 13/8/2019। उस डेट को जो कोलकाता का पैनल आया था उसमें यूआर के 73 कैंडिडेट को जो है खड़गपुर डिवीजन अलॉट किया गया। ओबीसी से सीरियल नंबर दिया गया है 24 एंड 73 और पैनल नंबर आपको जो 13/8/2019 को जो पैनल हुआ है उसका सीरियल नंबर दिया गया है 24 और 73। दो कैंडिडेट जो है ओबीसी से उनको जो है खड़गपुर डिवीजन अलॉट हुआ है। यूआर से 1 से 26, 6/9/2019 को जो पैनल आया है कोलकाता जोन का उसमें से जो है 25 यूआर कैंडिडेट को जो है खड़गपुर डिवीजन अलॉट हुआ। ओबीसी का दिया गया है सीरियल नंबर जो है पैनल का 42, 46, 48, 50, 52, 54 एंड 55। पैनल नंबर जो है आपका 6/9/2019 को जो है कोलकाता डिवीजन का पैनल आया है उसमें से ओबीसी के 8 कैंडिडेट को खड़गपुर डिवीजन अलॉट किया गया है। एससी का 43 to 45, 47, 49, 53, 56 to 57 एंड 59। पैनल जो है आपको 6/9/2019 को आया है एएलपी का, उसमें से एससी के 9 कैंडिडेट को जो है खड़गपुर डिवीजन अलॉट किया गया। टोटल जो है 118 कैंडिडेट को खड़गपुर डिवीजन अलॉट किया गया है सिर्फ कोलकाता जोन से। आधरा डिवीजन जो है आपको यूआर सीरियल नंबर दिया गया है 27 से 41। पैनल डेट जो है 6/9/2019 को जो कोलकाता का पैनल है उसमें से 15 यूआर कैंडिडेट को आधरा दिया गया है। ओबीसी से जो है सीरियल नंबर पैनल का जो है 58, 61, 64, 69, 72 एंड 73। 6/9/2019 को जो कोलकाता का पैनल आया है उसमें से 10 ओबीसी कैंडिडेट को आधरा दिया गया है। उसके बाद एससी का जो है पैनल नंबर जो है 60, 62, 63, 70 और 71। पैनल डेट जो है 6/9/2019 का आया है और कोलकाता जोन का जो पैनल लिस्ट आया था उसमें से 5 एससी कैंडिडेट को जो है आंध्रा दिया गया है। यूआर एंड ओबीसी ये मालदा जोन से जो है आपको 23/8/2019 को पैनल आया है उसका जो है सीरियल नंबर 1 से 22 कैंडिडेट को जो है दिया गया है यूआर ओबीसी को आंध्रा। उसके बाद यूआर एससी एसटी 1 से 16 पैनल सीरियल नंबर है और डेट जो आया है वो 16/6/2019 को मालदा जोन का जो पैनल लिस्ट आया है उसमें से, इसमें दोनों कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 का भी है और कैटेगरी 2 का भी है। टोटल जो है 16 कैंडिडेट को आंध्रा डिवीजन अलॉट किया गया है। यूआर एससी एसटी एंड ओबीसी ये रांची जोन का है। यूआर का सीरियल नंबर जो है 64 से 73, एससी का सीरियल नंबर है 5 से 21, एसटी का सीरियल नंबर है 1 से 8, ओबीसी का सीरियल नंबर है 29 से 37। पैनल डेट जो है आपका 12/9/2019, ये जो है आपको रांची जोन से किया गया है। टोटल 112 कैंडिडेट को जो है आंध्रा डिवीजन किया गया है। चक्रधरपुर डिवीजन यहाँ जो है रांची जोन वाले को जो है डिवीजन अलॉट किया गया है। यू आर एस सी एस टी एंड ओ बी सी से सीरियल नंबर 1 से 155, एस सी से 1 से जो है 58, एस टी सीरियल नंबर 1 से 23 एंड ओ बी सी का सीरियल नंबर 1 से 90 जो है उन सभी का जो है
डिवीज़न जो है चक्रधरपुर वो अलॉट किया गया है, और डिवीज़न पैनलिस्ट जो आया था वो 30/8/2019 को। टोटल जो है 326 कैंडिडेट को जो है चक्रधरपुर डिवीज़न अलॉट किया गया है। यूआर से जो है एक से सीरियल नंबर 63 जो है 12/9/2019 को जो रांची जोन का पैनल आया है उसमें से 63 कैंडिडेट को चक्रधरपुर किया गया है। एससी का जो है सीरियल नंबर 1 से 4 पैनल डेट जो है आपको 12/9/2019 उसमें से 4 कैंडिडेट को जो है चक्रधरपुर डिवीज़न अलॉट किया गया है। ओबीसी से जो है 1 से 28 सीरियल नंबर जो है 12/9/2019 को पैनल आया है रांची जोन का, उसमें से 28 कैंडिडेट को जो है चक्रधरपुर डिवीज़न अलॉट किया गया। टोटल जो है 421 रांची जोन से टोटल जो है 465 कैंडिडेट का जो है डिवीज़न अलॉट किया गया है, जिसमें कि आपको ज़्यादातर जो है चक्रधरपुर किया गया है, उसके बाद आद्रा किया गया है। 148 जो है कोलकाता जोन से जो है डिवीज़न अलॉट किया गया है, जिसमें आपको खड़गपुर सबसे ज़्यादा किया गया है। मालदा से जो है 38 कैंडिडेट का डिवीज़न अलॉट किया गया है। बात करें तो पैनल में डिले क्यों हो रहा है और बाकी बचे जो कैंडिडेट हैं उनका डिवीज़न अलॉटमेंट कब होगा, तो बाकी बचे हुए कैंडिडेट का भी जो है जल्द ही जो है इस मंथ के एंड तक माना जा रहा है डिवीज़न अलॉट हो जाएगा। और पैनल में जो है डिले क्यों हो रहा है, इसका आरआर नोटिफिकेशन के साथ बताया था कि मेडिकल में जो है डिले की वजह से जो है स्टूडेंट का पैनल में डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें जो है दूसरा टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरी जगह रेफ़र किया गया, वो रिपोर्ट अभी तक उन्हें नहीं मिला। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट हैं, डीवी में तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेडिकल के लिए वो पहुंचे ही नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेंडर जो है रेलवे का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके लिए भी जो है मीटिंग हो रही है, और अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन से वेंडर जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जिसकी वजह से जो है डिले हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए एग्जाम ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।